अब OB43 अपडेट के बाद आप तस्वीर करेक्टर को हवा में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अपडेट के बाद आप तस्वीर वो कर सकता है जो अभी के बाकी करेक्टर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब क्या क्या कर सकता है वो सब आज की इस वाली वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड स्किप तो बिल्कुल मत करना। अपडेट से पहले तो हम तस्वीर करेक्टर की जो एबिलिटी है वो 3 बार यूज कर सकते थे, लेकिन वो ग्राउंड पर हम यूज कर सकते थे 3 बार तस्वीर करेक्टर की। लेकिन अपडेट के बाद अब क्या हो गया है कि जो रनिंग स्पीड है तस्वीर की वो सिर्फ हम यार यहाँ पर 2 बार यूज कर सकते हैं, यानी कि उसको जो है गिरा कर कितना कर दिया है सिर्फ हम, अब उसको 2 से ज़्यादा बार बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बताऊं कि तस्वीर अब यहाँ का सबसे खतरनाक करेक्टर होने वाला है, वो कैसे है? क्योंकि अब 2 तो बार आप यूज़ करोगे, लेकिन आप तस्वीर पिछली बार ग्राउंड पे काम करता था, लेकिन इस बार जब हम हवा में उसको यूज़ करते हैं तो वो हवा में यूज़ नहीं होता। लेकिन अब की बार क्या होगा, आप जो है इधर से उधर हवा में भी जा सकते हो तस्वीर करेक्टर से। लेकिन नहीं होता, जैसे कि अगर आप CS रैंक खेल रहे हो एंड आपके सामने कैपटाउन वाली इस तरीके की जगह आती है तो आप छत से छत भाग सकते हो कुछ इस तरीके से स्किल को यूज़ करके। जी हाँ, लिटरली आप कैंपिंग कर सकते हो एंड आपका दिल यहाँ पर भी नहीं बढ़ता तो आप इस वाली जगह पर आकर यार और छत पे जो है छलांग मार सकते हो तस्वीर करेक्टर की एबिलिटी से, यानी कि जो है आप स्पाइडरमैन बन सकते हो इजीली तरीके से अगर आप तस्वीर अपडेट के बाद यूज करते हो। लिटरली अब इस स्किल का यूज करके आप ऐसी ऐसी जगह पर जा सकते हो जहाँ आप कैंपिंग कर सकते हो और एनिमी को पता नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्री पर आपको आना है एंड फैक्ट्री पर यहाँ पर आपको टॉप पर आके यहाँ पर एक ग्लू को प्लेस कर देना है एंड देन यहाँ पर ग्लू को प्लेस करने के बाद सबसे पहले आपको एक जंप मारनी है। जंप मार के तस्वीर करेक्टर की एबिलिटी ऑन करके आप जस्ट इस पर आ जाओगे एंड आपको जो है साइड में यहाँ पर कोने पे एक जगह मिलती है, जस्ट यहाँ पर आप कैंपिंग करके एनिमी को इजीली तरीके से पेल सकते हो। इसी तरीके से अगर आप CS रैंक प्लस कर रहे हो एंड आपके सामने जो आती है मील वाली जगह एंड मील पर अगर आप इस जगह पे कैंपिंग करोगे तो कैसा रहेगा, चलिए इसको भी बताते हैं। तो इसको भी करने के लिए 2 ग्लू की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चढ़ना है एंड ग्लू को प्लेस कर देना है एंड प्लेस करते वक्त ध्यान रखना दोनों ग्लू जो है बिल्कुल बराबर के साइड होनी चाहिए जिससे आप एक के ऊपर जंप कर पाओ एंड देन फिर आपको जो इस बॉक्स पर खड़े होकर एक जंप मारना है एंड स्किल को यूज़ करके जस्ट आपको यहाँ पर ऊपर आ जाना है एंड बाद में आप ग्लू को ब्रेक करके इजीली तरीके से कैंपिंग कर सकते हो। एनिमी आपको सामने दिखे हो तो उसको पट से हेड मार सकते हो। इतने में भी अगर आपका दिल नहीं भरता तो आप मील की एक और जगह पर कैंपिंग कर सकते हो। आप जो है इस गैराज की छत पर भी चढ़ सकते हो। जी हाँ, गिराज की छत पर चढ़ने के लिए फिर से आपको ग्लू का इस्तेमाल करना है एंड देन फिर से आपको अपनी स्किल का कुछ इसी तरीके से गलत उपयोग करना है एंड देन फिर आपको जंप मार मार के आपको आ जाना है भाई ऊपर एंड फिर ऊपर आने के बाद फिर से आप अपने टीममेट को जो है कवर दे सकते हो इजीली तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके सामने जो है क्लॉक टावर वाली जगह आती है तो आप क्लॉक टावर पर जो है जस्ट आपको लैंडिंग करना है। क्लॉक टावर पर आपको एक और जगह मिलती है, जस्ट आपको जो है इस वाली थंप पर आके खड़ा हो जाना है एंड देन सामने जो आपको हाउस मिलता है डबल डोर जैसा, जस्ट यहाँ पर आपको जो है एक जंप लेनी है, सुपर जंप लेनी है एंड देन फिर आप जो है इसके ऊपर पहुंच जाओगे। कैसा पहुंचना है, सबसे पहले रन करके स्किल को यूज़ कर देना है, जस्ट आप यहाँ पर आ जाओगे एंड फिर भी दिल नहीं भरता तो सामने एक और प्लेस है वहाँ पर भी आप जा सकते हो और यहाँ से कैंपिंग करके एनिमी को। ओके, अब बात करते हैं ऐसी टिप्स के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ तस्वीर करेक्टर से इस स्किल से आप यूज़ कर सकते हो। कैसे, अगर आप देखो ग्लू में पैक हो जाते हो एंड ग्लू में पैक होने के बाद अगर एनिमी जो है सामने खड़ा होता है, जस्ट देख सकते हो अगर आपने ग्लू पैक करा एंड एनिमी आपके सामने बिल्कुल ग्लू से चिपक के खड़ा है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने टीममेट के ऊपर जो है जंप करना है एंड देन जंप करते वक्त आपको तस्वीर को यूज़ कर लेना है। फिर अगर एनिमी आपके सामने खड़ा होगा तो आप उसको इजीली लपेट सकते हो एंड आपको 1% का भी डैमेज नहीं आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी और भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ तस्वीर से रिलेटेड। बाकी आज की इस वाली वीडियो में नहीं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस करेक्टर का कैसा कैसा इस्तेमाल करोगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना।